प्रदेश के बुंदेलखंड में छत्रपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देश भर में मौजूद अपने श्रद्धालुओं से एक जरूरी अपील की है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इनमें से हजारों श्रद्धालु सामान्य दिनों में आते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़ा के समीप मौजूद बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए अनेक श्रद्धालु रेल सुविधा का उपयोग करते हैं। ऐसे में छतरपुर रेलवे स्टेशन और खजुराहो रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का अत्यधिक लोड हो जाता है। कई बार देखा गया है कि श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या, रेलवे स्टेशनों पर अनियमितता और लापरवाही के साथ दुर्घटनाओं की वजह भी बन जाती है। ऐसे में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने श्रद्धालुओं से भारत सरकार की संपत्ति का सम्मान करने और निर्धारित स्टेशन से टिकट लेकर बैठने की अपील कर दी है। सुनिए उन्होंने श्रद्धालुओं से क्या कहा। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। आप सब कैसे हैं? प्रसन्नचित होंगे, हमें अपेक्षा है। यह वीडियो बागेश्वर धाम पर रेल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए एक संदेश के रूप में हमारा निवेदन। शनिवार और मंगलवार को समूचे भारत के कोने कोने से बागेश्वर धाम के पागल पेशी करने और दर्शन करने रेल यात्रा से पहुंचते हैं। अनेक अत्यधिक भीड़ होने के कारण चैन पुलिंग करते हैं, अनेक अनेक जगहों से बैठते हैं। कई बागेश्वर धाम पर आने वाले लोग बिना टिकट के भी आते हैं। हमारा कहना है कि हमारे भारत सरकार की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। कई भक्त ऐसे सुनने को आए जो मन को व्यथा भी पहुंची, मन व्यथित भी हुआ, मन में ठेस भी लगी। कई अधिकारियों ने भी बताया, लोगों ने भी बताया कि रेल हमारी भारत देश की संपत्ति है और उसको लोग, हमारे कुछ बागेश्वर धाम पर आने वाले कुछ लोग हानि पहुंचाते हैं, जो सुनने में बड़ा मन व्यथित होता है। हमारा निवेदन है बागेश्वर धाम के पागलों से कि आप सबको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। रेल की यात्रा शांतिपूर्वक करिए, अगर भीड़ अत्यधिक है तो इंतजार करिए, टिकट जरूर लीजिएगा और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए हमने ये वीडियो आप सब तक निवेदन करके भेजा है कि गंभीरता पूर्वक आप रेल यात्रा को करें। बहुत भीड़ मंगलवार, शनिवार, सोमवार को हो जाती है, तो हमारा निवेदन है गंभीरता पूर्वक आए और स्टेशन से ही चढ़ें और शांतिपूर्वक ढंग से रेल यात्रा करें। हमेशा जीवन भर आप आते रहो, ऐसी मंगल कामना हम बालाजी के चरणों में करते हैं। जय श्याम। प्रवीण कुमार चौबे। कहाँ जाना था आपको? भोपाल। क्या हुआ आप लेट हो गए? कल फिजिकल है मेरा मॉर्निंग में, इसकी वजह से मुझे 6 बजे बुलाया गया था। इस ट्रेन में महामना में सीट नहीं थी तो इसका रिजर्वेशन कराया, जिसके कारण टिकट कन्फर्म हो गई, तो इस पर जाने के लिए आया तो यहाँ ट्रेन लेट है। अब आप इतनी ट्रेन लेट हो गई, नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या करेंगे? क्या कर सकते, टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे? हाँ। आपको उज्जैन जाना है हमको। हाँ। और करीब 10 बजे से यहाँ पे 9 बजे से बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं है और ट्रेन को बता रहे हैं कि 12 बज चुके हैं, अभी बता रहे हैं 1 घंटे लेट है अभी और 1 घंटे बाद आएगी ट्रेन। क्या समस्या आ रही है बता किया है आपको? समस्या बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम में अभी ट्रेन लेट है और बागेश्वर धाम में काफ़ी यात्री वहाँ पर चक्का जाम करके बैठे हुए पटरियों पर, इस वजह से लेट हो सकती है ट्रेन। क्या हुआ है कि जो यहाँ से गाड़ी गई है इलाहाबाद प्रयागराज की ओर जाने वाली, गाड़ी संख्या 14115, वो यहाँ से 2255 पर यहाँ से डिपार्चर हुआ था, फिर उसकी 2257 पे यहाँ पे चैन पुलिंग कर दी गई, तो यहाँ से 23/7 पे निकली। उसके बाद सेक्शन में आज चूँकि मंगलवार है तो बागेश्वर धाम में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, तो पूरी गाड़ी ठसाठस भर के आती है। फिर सेक्शन में लगभग हर 100 मीटर पर उसकी चैन पुलिंग होती है, पहले बसारी में होगी, उसके बाद आगे जाके आउटर जो होम सिग्नल है उस पर होगी, होम सिग्नल के बाद जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी फिर स्टेशन के पहले हो जाएगी, फिर स्टेशन पे जब गाड़ी लगेगी वहाँ हो जाएगी, फिर गाड़ी आगे जाएगी जब स्टार्टर सिग्नल पार करेगी वहाँ ACP हो जाएगी। तो चैन पुलिंग में किसी भी एक डब्बे में होती है तो ड्राइवर गाड़ जाते हैं, लगभग 5 से
दस मिनट का टाइम उसको सही करने में लगता है, वो भी नॉर्मल यदि हो। यदि ट्रेन खचाखच भरी है तो उसमें भी कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, तो जैसे 5-6 बार चेन पुलिंग होगी। इसको लेकर सर यात्रियों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है, क्या आपके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई इसके? हमारे द्वारा लगभग हर मंगलवार को टीकमगढ़ से लेके खजुराहो तक के स्टेशन मास्टरों द्वारा हर मंगलवार को यह समस्या होती है, और कम से कम हर मंगलवार को पिछले 4 महीनों से लेटर प्रशासन को, सब कलेक्टर को, सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, फिर भी कोई विशेष अभी तक। रेल प्रशासन ने इतना किया है कि हर डब्बे में महामाना और पैसेंजर और गाड़ियों में दो दो डब्बे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए।